सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट के अपडेट के बारे में। लगातार दोस्तों दो तीन दिनों से कि मार्केट में हमें अच्छा खासा क्रेज देखने को मिला है, तो बात करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के बारे में। बिटकॉइन दोस्तों आगे की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन डोमिनेंस भी बढ़ रही थी, इसके लगातार इफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे ऑल्टकॉइन के बारे में, अब हमें ऑल्टकॉइन पे क्या डिसीजन लेने चाहिए, ऑल्टकॉइन दोस्तों होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। मार्केट अपडेट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने टेलीग्राम पे भी देता हूँ, तो मेक श्योर दोस्तों कि टेलीग्राम को भी आपने ज्वाइन किया हो, जहाँ दोस्तों इसकी अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों अभी 54,764 मतलब डॉलर चल रही है। अब दोस्तों आगे का हम क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक, अगर हम इसके बुलिश रेंज के बारे में बात करें तो लगातार दोस्तों कई महीनों से लगातार बिटकॉइन बुलिश मोमेंट पर चल रही थी, और इस मोमेंट पर चलने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हमें वेरिस यहाँ पर देखने को मिल ही सकती थी। तो वही दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा लगभग $11,000 का संडे को हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, लगभग $11,000 तक का दोस्तों हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। अब दोस्तों नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनती है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन को यहाँ से ऊपर जाना होगा तो सिंपल दोस्तों करीबन करीब इस एरिया पे कम से कम लगभग 53,000-52,000 से लेकर $55,000 तक के डॉलर तक में एक यहाँ पर तीन चार पाँच दिनों तक यहाँ पर सपोर्ट बनानी होगी। सपोर्ट बनाने के बाद आगे नेक्स्ट मूवमेंट ले सकती है। थोड़ा सा पहले दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर प्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी तरह की आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर ठीक उसी तरह से यहां पर लगभग 50,000 पे एक सपोर्ट बनाई है। सपोर्ट बनाने के बाद वन डे का भी सपोर्ट यहां पर हमें देखने को मिला है लगभग उसी एरिया पे। तो अभी दो तीन दिनों तक और हमें यहां पर देखनी है कि यहां पर 2-3 दिनों तक यहां पर सपोर्ट बनाती है या नहीं। अगर इसी दौरान दोस्तों अगर ये 51,000 के सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है, तो फिर दोस्तों आपको यहां पर थोड़ी सी वेरिस और देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो दोस्तों यहां पर 45,000 की सपोर्ट यहां पर बन सकती है। थोड़ा सा अगर चिंता करने वाली बात अगर आप यहाँ पर देखो तो आप यहाँ पर देख सकते हो शॉर्ट टर्म पे ही, लेकिन यहाँ पर एक हमें बेरिस मोमेंट हमें देखने को मिला है एक बुलिश रेंज में। जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश होती है उस रेंज में, जब इस तरह का कोई पैटर्न बनता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक वेज पैटर्न बना है और इसे ब्रेकआउट भी किए, तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिविटी भी यहाँ पर बनती है। तो एक वेज पैटर्न भी यहाँ पर हम बनते दिखा है, साथ ही दोस्तों 50 की मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट की है जो कि एक नेगेटिविटी है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बना रही है, एक दिन का सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 दिन तक सपोर्ट अगर बनती है तो सही है, उसके बाद मार्केट अच्छी खासी बुलिश मोमेंट पर जाएगी। और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनाती है तो मैंने जैसा कि बताया कि 45,000 का नेक्स्ट सपोर्ट फिर हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पर लगता है कि 3-4 दिन तक यहाँ पर सपोर्ट बनाएगी, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसके बाद नेक्स्ट फिर से बुलिश मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर दोस्तों 62,000 का रेसिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ओल्ड कॉइन से प्रॉफिट कर रहे हो, मान लो कि अगर आपने डीपली में बाय किया है, तो आप ऐसा 3-4 दिन तो लगातार आपको करते रहना है कि आपको उसे प्रॉफिट में सेल कर देना है। ओल्ड कॉइन को दोस्तों होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि बीटीसी का मोमेंट कुछ भी देखने को मिले, और बीटीसी में अचानक से फ्लक्चुएशन देखने के बाद आपको ओल्ड कॉइन में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब से जैसे बिटकॉइन अगर बढ़ता है और 64,000 तक अगर ये जाती है, 62,000 तक अगर ये जाती है, तो सिंपल दोस्तों जो भी आप ओल्ड कॉइन में प्रॉफिट में होंगे उसे आपको सेल कर देना बेटर होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बिटकॉइन बुलिश ही दिख रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि और भी आपको डाउन देखने को मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होना है, बिटकॉइन का अगर ऊपर जाना है, तो 3-4 दिनों तक लगातार यहाँ पर सपोर्ट बनाती रहेगी लगभग 52,000 से 55,000 के एरिया तक में। तो यहाँ दोस्तों मैं एक छोटी सी आइडिया आपको देना चाहूँगा, अगर बिटकॉइन का मोमेंट 50,000 पर आता है तो मैक्सिमम चांस बनेगा कि यहाँ से 5-6% का आपको फिर से अप देखने को, और अगर 45,000 को आता है तो अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो 45 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ से 10-12% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है, किसी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह के मोमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग इस एरिया तक में दोस्तों काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है।
और जैसा कि दोस्तों मैंने बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी बिटकॉइन का मोमेंट आपको 62,000 हो सकता है कि यहाँ से एक दो दिन सपोर्ट बनाने के बाद 62,000 को यहाँ पर फिर से टच करें, तो ये रेसिस्टेंस दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पर वर्क करेगी। 62,000 के बाद आप चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो, ओल्ड कॉइन में भी हो तो वहाँ से भी आपको निकल जाना है, और क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम चांस बनेगा ओल्ड कॉइन में भी करेक्शन देखने को। ये सब चीज़ें मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए आपको बता रहा हूँ, और जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जो भी दोस्तों यहाँ पे करीब 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए अगर इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं, तो वो लोग बिल्कुल यहाँ पर शांत रहें, कोई टेंशन उनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मैं उनको एक आइडिया देना चाहता हूँ जो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती हैं। दोस्तों अगर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में हम बात करें तो लगभग 52 में यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिटकॉइन डोमिनेंस का सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करें तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि जब भी बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ता है तो बिटकॉइन की प्राइस भी बढ़ती है और ओल्ड कॉइन में अच्छा खासा करेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो ठीक इसी तरह का दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, और ऐसा होता है तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस तो बढ़े लेकिन ओल्ड कॉइन में फिर से आपको करेक्शन देखने को मिल सके। तो शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अनकंडीशनल है, और अभी दोस्तों कुछ भी सही सही बताना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो लगभग जो इसकी हमें रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है 57 का रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा हमें सपोर्ट बनाते देखने को मिल रहा है। हालांकि सपोर्ट के बारे में बात करें तो कुछ खास सपोर्ट भी यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल रही है, चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें और ऊपर देखने को मिले। अगर ऐसा होता है, अगर बिट की बीटीसी डोमिनेंस थोड़ा सा भी बढ़ती है तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा लेकिन ओल्ड कॉइन में करेक्शन आएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो भी ओल्ड कॉइन आपके हैं, अगर आप उसमें प्रॉफिट में आ रहे हैं, अगर आपने डीप में बाय किया है, तो कोशिश करें 5-6-8% जो भी आप प्रॉफिट आप ले रहे हैं उस प्रॉफिट को बुक कर लेने की, अभी दोस्तों आपको होल्ड नहीं करना है। मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कौन कौन से ओल्ड कॉइन को आप यूज कर सकते हो और डीपली में बाय कर सकते हो, तो डीप में बाय करने के बाद दोस्तों उसे आपको सेल करना है। अभी दोस्तों किसी भी ओल्ड कॉइन को होल्ड नहीं करना है, सिंपल दोस्तों आप अपने प्रॉफिट को बुक करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी तक हमने बिटकॉइन के या फिर क्रिप्टो मार्केट के बुल रन को देखा है, बेरिश को नहीं देखा है। बेरिश यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने 2017 से आप इस मार्केट में हो तो आपको बेरिश भी पता होगी किस तरह से मार्केट यहाँ पर गिरती है। और क्रिप्टो मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ दोस्तों अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 30% ही टेक्निकली वर्क करती है, फिर 70% अगर हम बात करें तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। तो ऐसे में दोस्तों आज भी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बिटकॉइन के न्यूज़ के बारे में, अगर बिटकॉइन का अच्छा खासा न्यूज़ हमें देखने को मिलता है, जैसा कि एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी चाइना कुछ एसेट इसे अनाउंस करने वाली थी, तो ऐसे ही दोस्तों कुछ 3-4 दोस्तों अगर अच्छे न्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों बिटकॉइन पर अच्छा खासा प्राइस हमें अप देखने को मिल सकता है। अब थोड़ा सा दोस्तों ओल्ड कॉइन के मार्केट के एक आइडिया के बारे में बात करते हैं किस तरह से आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल दोस्तों, पहली तो आप यहां पर बहुत कम अभी इन्वेस्ट करें, ज़्यादा दोस्तों इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम चांस बनता है कि थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिले। और अगर अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरी ओपिनियन बनती है कि लॉन्ग टर्म में अभी जो बुल रन आपने देखा है वो और अच्छा बुल रन आप क्रिप्टो में या फिर आपको ओल्ड कॉइन में आपको देखने को मिलेगा। और अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो लगभग से लगभग आपको 10-12 दिनों तक ओल्ड कॉइन पर काफ़ी करेक्शन आपको हो सकता है देखने को मिली। तो आपको ऐसा करना है कि जो भी मैं आपको जो भी दोस्तों अभी ओल्ड कॉइन में आप प्रॉफिट कर रहे हैं, सिंपल दोस्तों अगर आप किसी भी ओल्ड कॉइन पर डीप में बाय किए हो तो उसे दोस्तों 5-6% के प्रॉफिट में आपको हटा देना है। इस तरह से चाहो तो दोस्तों 3-4 बार तक आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा, इस तरह से आप प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन शेयर करूंगा जो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी परफेक्ट होंगे, मार्केट कहीं भी उसकी चली जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो उसकी आप उसमें अच्छी खासी आप प्रॉफिट देख पाएंगे, लगभग लगभग 100-500% तक का गेन आप देख पाएंगे। तो कुछ इस तरह का दोस्तों कॉइन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। मेक श्योर दोस्तों कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो, बेल आइकन को प्रेस किया हो, जिससे कि उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बिल्कुल केयरफुली आप ट्रेड करो, साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस को कुछ जगहों पर आप यूज करो ताकि दोस्तों एक बड़ा लॉस होने से आपको यहाँ पर बच जाओ। और बात रही बुल रन की, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बुल रन अभी ओवर नहीं हुए, चांसेस है आने वाले टाइम पे और अभी आपको बुल रन देखने को मिले ओल्ड कॉइन के बारे में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 10-15 दिन का ये करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें वेट करनी है बिटकॉइन के न्यू पोजिशन पर, हमें वेट करना है जब तक बिटकॉइन का पोजिशन हमें समझ में नहीं आता, जब तक 56,000 तक में दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट नहीं बनाती तब तक दोस्तों आपको यहाँ पर केयरफुली ट्रेड करनी है। तो उम्मीद दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।